हेलो दोस्तों, रिमेम्बर मी पार्ट 12 के एक्सप्लेनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दद्दू को गुजरे काफ़ी दिन हो गए, सारे दोस्त जैम से मिलने आए। उन्होंने दद्दू के लिए जैम को सिंपथी दी। उनके साथ गोल भी आया था। इम ने गोल को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। गोल को भी खुशी हुई, लेकिन नान गन का मजाक उड़ाने लगा। इसके नंबर 8 वाली कहानी में एक नॉवेल लिख दिया जाए तो बढ़िया बिकेगा। गन जेब गया और फिर सब नान को टीज करने लगे। जैम्प ने उससे पूछा कि वो चौंपू को ढूंढेगा या नहीं, और नान ने भी तो चौंपू पर गिव अप नहीं किया। वो एग्जाम छोड़कर निकल गया चौंपू की तलाश में। डैड से थोड़ी बहुत डांट भी पड़ी, पर डैड भी उसे समझ रहे थे। उन्होंने नान को अपने दिल के सुनने को बोला, और दिल तो चौंपू के पास है। लेकिन जैम्प मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। उसके दद्दू, उसके आइडल, जिन पर हाई स्कूल में उसने एक ऐसे लिखा था, सब सोचते हैं कि मेरे दद्दू बहुत वेल्दी और स्ट्रांग है, पर कोई नहीं जानता वो अपनी लाइफ में कितना कुछ से ऊपर गुजरे हैं। मैंने अपने डैड से हमेशा मेरे दद्दू के स्ट्रगल की कहानी सुनी है, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं अपने पापा का बेटा और दद्दू का पोता हूँ। मेरे दद्दू, मेरे आइडल। जेम की आंखों में आंसू आ गए। उसने दद्दू की तस्वीर को हक कर लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मॉम नेट भी बहुत खुश थी कि नेम को उनकी केयर है। नेम और एम भी घर वापस आए। ईम ने नेम को कॉमिक बुक लाने के लिए भेज दिया, और मॉम नेट को बताने लगा, सॉरी आंटी, पर मैंने नेम को सब सच बता दिया। मॉम नेट थोड़ी मायूस हो गई। उन्हें लगा शायद नेम सच जानकर उनसे बात नहीं करेगा। और फिर नेम के वापस आते ही उन्होंने उसे सॉरी बोला। नेम, सॉरी, ईम ने मुझे सब कुछ बता दिया, और मैंने ऐसा इसीलिए किया। मैं बस ये जानना चाहते थे कि तुम कितने डरे हुए हो। और फिर आज इतने सालों बाद नेम ने मॉम से बात की, उन्हें सॉरी बोला। मॉम भी उसकी आवाज़ सुनने को तरस गई थी, और आज नेम की आवाज़ सुनकर उनके आँख में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत नेम को हग कर लिया। नेम को भी थैंक्स बोलने लगी। उसी की वजह से तो नेम ने मॉम नेट से बातें की। गोल्फ भी बॉयफ्रेंड गन को अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले आया। गन तो बहुत नर्वस था। गोल्फ ने भी उसे डरा दिया। गन, मे बी ये तुम्हारे लिए हार्ड होगा क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी यूनिक है। फिर उसने अपने घर का गेट खोला तो सामने का नजारा देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने गन को अंदर आने के लिए बोला। गन भी अंदर देखकर हैरान। गोल्फ के मॉम डैड ने उनके वेलकम के लिए बैनर लगाया हुआ था, खुद गन और गोल्फ का। गोल्फ के मॉम डैड भी बाहर आए और दोनों को सरप्राइज बोलने लगे। इसके साथ ही उन्हें गन काफी गुड लुकिंग भी लगा, और गन ने भी उनको जवाब दिया, हाँ इतना ताकि मैं सर्वाइव कर सकूँ। डैड को उसकी स्मार्टनेस काफी पसंद आया। फिर मॉम डैड उनके लिए पानी और स्नैक्स लेकर आए। दोनों उन्हें कंफर्टेबल रहने के लिए बोलने लगे। मॉम फिर गन को थैंक्स बोलने लगी कि उसने गोल्फ को लेटर लिखना सिखाया। डैड भी गन को अपने बेटे की लाइफ में आने के लिए थैंक्स बोलने लगे। फिर उन्होंने गोल्फ को बोला, गोल्फ अपने बॉयफ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखो। गन ये सुनते ही हैरान। गोल्फ ने उसे बताया, मेरे पेरेंट्स को रिसेंट ही हमारे बारे में पता चल गया है, जब मैं तुम्हारे साथ एक ही कॉन्डो में शिफ्ट हुआ। डैड उन्हें और टीज करने लगे। गोल्फ, तुम्हें मालूम है जब मैं तुम्हारी मॉम के साथ फ्लर्ट करता था तो मेरा प्यार उसके लिए और बढ़ जाता। शाम को चैम्प अपने सामान के साथ घर से बाहर निकला। बहन ने उसे रोका, चैम्प तुम वापस बैंकॉक जा रहे हो, तुम्हारा फेवरेट पिकल फिश बना है, कागर जाओ। लेकिन चैम्प का गुस्सा अब तक फैमिली से उतरा नहीं था। उसने मना किया और बहाना बनाया कि उसे कुछ काम है। बहन ने फिर उसे बोला, लेकिन चैम्प ये तो सेमेस्टर ब्रेक है ना। चैम्प के पास कोई जवाब नहीं था, या फिर शायद वो जवाब देना नहीं चाहता था। वो मॉम डैड को बाय बोलकर घर से बाहर निकल गया। ईम और नेम भी शाम के अंधेरे में टहलने निकले। नेम की आवाज़ भी अब वापस आ गई थी तो ईम उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था। ईम ने उसे एक मूवी के बारे में बताया और पूछा कि क्या वो दोनों साथ में उसे देखने जाए। नेम ने भी हाँ बोला। ईम फिर उससे कहने लगा, नेम मेरे दोस्त मुझ पर बिलीव नहीं करते, वो हमेशा बोलते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि तुम बोल सकते हो। अब देखना, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि तुम बोल सकते हो, और वो सरप्राइज हो जाएंगे। वैसे नेम, अब से तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे से शेयर करना तुम। लेकिन नेम अचानक चलते चलते रुक गया। ईम उसकी प्रॉब्लम समझ रहा था। नेम, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो वे ठीक है। लेकिन नेम उसे बताने लगा, मैं उस टाइम 5 साल का था जब मैंने घर में बहुत लाउड शोर सुना। मैंने देखा मेरे मॉम डैड के बीच बहुत बहस हो रही थी। मॉम जोर से चिल्लाई जा रही थी। फिर डैड ने अपने सर पर गन पॉइंट किया और मॉम भी उन पर चिल्लाने लगी कि अगर उन्हें मरना है तो मर जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अचानक से गोली चलने की आवाज़ आई। मेरे डैड ने खुद को शूट कर दिया था। मैं बहुत डर गया। उस टाइम से मुझे कुछ बोलने का मन नहीं करने लगा और मैंने म्यूट रहना चूज किया। लेकिन जब मॉम बेहोश हुई तो मुझे बोलने का मन किया, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलता तो शायद मॉम को भी खो देता, और फिर तुम्हें भी शायद। इम भी उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो गया। नेम, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हमारा पूरा गैंग तुम्हारे साथ है। आंटी नीड भी तुम्हारे साथ है। नेम को यह सुनकर खुशी हुई।
उस शाम हीम घर वापस आया और अपनी मॉम को हक करके रोने लगा। माँ भी उसे शांत करने लगी। हीम को नेम के लिए बुरा लग रहा था। उसने माँ से भी ये बात शेयर की और माँ ने उसे समझाया, बेटे हर कोई लाइफ टाइम तक ये नहीं चाहता कि उस पर कोई दया दिखाए, उसे लाचार नजरों से देखे। हम जितना कर सकते थे नेम के लिए हमने उतना किया। दूसरी तरफ नान उस लड़की से मिलने पहुंचा जिसके पास चोम्पू का बीबी फोन था। उसने नान को बताया कि ये उसे सेकंड हैंड मिला है, लेकिन जब नान वहां पहुंचा लड़की तो उसे देखकर फ्लैट हो गई। नान है ही इतना गुड लुकिंग, लेकिन लड़की तो खुद को जबरदस्ती वाला गुड लुकिंग बनाने की कोशिश करने लगी। नान ने डायरेक्ट उसे मेन पॉइंट पर आने के लिए बोला और लड़की ने अपना डेकोरेशन किया हुआ फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। नान हैरानी से उस फोन को देखने लगा और लड़की का डिस्क्रिप्शन शुरू हो गया। ये फोन मैंने मोबाइल रिपेयर दुकान से खरीदा था, ये बिल्कुल सिंपल था तो मैंने इसे डेकोरेट कर दिया ताकि ये मेरे स्टाइल को मैच कर सके। नान ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और डायरेक्ट उसे मोबाइल रिपेयरिंग दुकान पर लेकर जाने के लिए बोलने लगा। लड़की उसे वहां तो लेकर गई पर वो दुकान ही आज क्लोज था और नान के पास वहां वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। लड़की ने उसे पूछा भी कि उसे कुछ काम है क्या, क्योंकि यहाँ आना तो उनका वेस्ट हो गया। नान ने उसे बताया कि आज उसका टेस्ट है पर वो जाना नहीं चाह रहा था। लड़की उसे यूनिवर्सिटी में ड्रॉप करने के लिए भी रेडी थी पर नान के मना करने पर वो अपने दोस्तों से मिलने चली गई। शाम होने के बाद जब वो वापस आई तो भी नान वही था और दुकान अभी तक बंद थी। लड़की उसे कहने लगी, मैं अपने दोस्तों के साथ मूवीज देखकर भी आ गई और तुम यहीं हो अभी तक। नान क्या करोगे, यहीं सोना है क्या, चलो मेरे घर पर सो जाना। लेकिन नान ने मना कर दिया, लड़की उसे वहीं छोड़कर चली गई। नान रात भर वहीं शॉप खुलने का वेट करता रहा और वहीं सो गया। सुबह जब लड़की वापस आई वो भी नान को देखकर हैरान, उसे भी नान के लिए थोड़ा बुरा फील हो रहा था। तभी शॉप का ओनर गाना गाते हुए शॉप खोलने लगा। दोनों खुश, लड़की तुरंत शॉप के ओनर से फोन के बारे में पूछने लगी, लेकिन फोन को लड़की ने इतना डेकोरेट किया हुआ था कि शॉप ओनर उसे पहचान ही नहीं पाया या फिर ना पहचानने की एक्टिंग करने लगा। नान और लड़की दोनों थोड़े उदास हो गए पर लड़की के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने शॉप ओनर की आवाज की तारीफ करने शुरू कर दी। नान भी साथ देने लगा और शॉप ओनर तो प्राउड से फूल गया। उसने तुरंत अंदर से एक पेपर निकाला, उसमें चोम्पू के नाम के साथ साथ उसका एड्रेस लिखा हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एड्रेस बहुत दूर का निकला। नान ने लड़की से पूछा कि वहाँ कोई बस वगैरह जाती है क्या जिससे वो उस प्लेस पर जा सके, लेकिन लड़की के होते हुए नान को बस लेने की क्या जरूरत है। उसने नान को बोला कि वो उसे एड्रेस तक पहुँचा देगी, आखिर ये लव का मामला है, लव में सब जायज है। दूसरी तरफ सुबह सुबह नेम ने ईम को कॉल किया। ईम तो पहले उसे नहीं पहचान पाया पर बाद में पहचान गया। उसने पूछा, नेम तुम जाग गए क्या। नेम ने भी हाँ में जवाब दिया और उसे जल्दी से उठकर क्लास जाने के लिए बोलने लगा। नेम फिर नेम से पूछने लगा कि यही उसका बीबी नंबर है क्या। नेम ने उसे बताया हाँ, लेकिन अब वो आईफोन यूज करने वाला है, उसकी मॉम ने बोला है उसे। नेम से बात करने के बाद नेम ने कॉल कट कर दिया तो मॉम नीड दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ गई। मॉम नीड बहुत खुश थी क्योंकि इतने सालों बाद उनका बेटा अब बात कर पा रहा था और आईफोन यूज करने का आइडिया इसी खुशी में उन्होंने नेम को दिया था। नेम उनसे पूछने लगा, मॉम आप खुश तो है ना। मॉम उसे कहने लगी, नेम ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, हम दोनों के लिए बस हम ही दोनों हैं तो फिर हमें एक दूसरे के लिए खुश रहना होगा। नेम भी मॉम की बातों से अग्री हुआ। इधर नान और वो लड़की चोम्पू का एड्रेस ढूंढने निकले। रास्ते में वो सबसे पूछते चले गए कि चोंटीचा फार्म कहाँ है। लोगों ने उसे रास्ता दिखाया और फाइनली दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। वहां उन्हें नान के एज का एक लड़का दिखा। दोनों ने उससे एड्रेस पूछा कि यही वो चोंटीचा फार्म है क्या। लड़के ने हाँ बोला और पूछा कि क्या काम है। लड़की सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली थी पर उसका फोन बजा, कॉल उसके बॉयफ्रेंड का था। वो नाराज था थोड़ा। लड़की उसे मनाने लगी कि वो थोड़ा सा बाहर आई है और उसी के लिए खाने का कुछ ले रही है, लेकिन शायद सिचुएशन नहीं संभली और लड़की को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा। लड़का फिर नान से पूछने लगा कि वो यहाँ क्यों है। नान ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। मेरा नाम नान है, मैं चोम्पू से मिलने आया हूँ, मैं उसे लाइक करता हूँ और उससे बात करना चाहता हूँ। लड़का सवाल करने लगा, तुम श्योर हो कि मेरी बहन को तुम लाइक करते हो। नान बोलने लगा, पहले तो मुझे बस उस पर तरस आया था पर धीरे धीरे मैं सच में उसे लाइक करने लगा और अब मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर हूँ, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। लड़के यानी कि चोम्पू के भाई को भी नान की बातों पर थोड़ा थोड़ा भरोसा हुआ और वो उसे चोम्पू के पास ले गया। चोम्पू बुक पढ़ने में बिजी थी, नान ने उसे आवाज दिया। चोम्पू उसे देखते हैरान हो गई और थोड़ी इमोशनल भी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों आज शाम इस ईयर की लास्ट शाम है, आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट ईयर। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।